वर्तमान का तात्पर्य है कि वर्तमान में जो इस राज्य के नौजवान इस राज्य के सरकार से अपेक्षाएं पाले हुए थे, नियोजन नीति, स्थानीय नीति के आधार पर या फिर राज्यभर में सृजित नियुक्तियों के ऊपर जो मापदंड तैयार किया गया था, कहीं ना कहीं एक साथ खारिज होने से घोर निराशा आई। उसके नियोजन नीति पर संशोधन होना भी एक निराशा का बड़ा कारण अभी बना हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वर्तमान से और भविष्य, मतलब मैंने कहा था कि इस राज्य की पूरी 3 साढ़े 3 लाख जो भी सरकारी पद जिसको नियुक्ति सरकार नियुक्ति की बात कर रही है या नियुक्ति माना जा रहा है, उसमें से करीब 2 लाख से ज्यादा पद केवल शिक्षकों का है। और ये पद के ना रहने से जो भविष्य होंगे इस प्रदेश के लिए, जिसे हम भविष्य कह रहे हैं, उनका भी नुकसान, उनके निर्माण में भी नुकसान पहुंचा रही है। तो ये सरकार वर्तमान और भविष्य दोनों का नुकसान पहुंचा रही है। इस पर गंभीरता से आज पार्टी के अंदर चर्चा होगा और आने वाले समय जनमानस की भावना, युद्ध की भावना को ध्यान में रखते हुए आंदोलन के कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। इसके साथ साथ राज्य के कई ज्वलंत विषय हैं, कई एजेंडे पार्टी के हैं, उसके ऊपर काम करेंगे और आगामी 24 की तैयारी के संदर्भ में भी पार्टी के अंदर में चर्चा होगा। यही आज का मूल सार है, मूल विषय। ये नियोजन नीति का क्या है आपके नजर में, क्या विकल्प ऐसा आएगी? विकल्प ढूंढना सरकार का काम है। अगर विकल्प के लिए पार्टी से राय मांगेंगे, मैंने हाउस के अंदर राय भी रखा। मेरे अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।